नमस्कार मित्रों, टीवी 30 इंडिया के कार्यक्रम एंटरटेनमेंट इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। हर बार हम किसी ना किसी नई शख्सियत के साथ मिलवाते हैं आपको। इस बार भी हम किसी नई शख्सियत को आपके बीच में लेकर आए हैं, जो अपने आप में राइटर भी हैं, कंपोजर भी हैं और सिंगर भी हैं। जी हाँ, ये तीन खूबियां उनके अंदर हैं और खास बात, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं हनी पचौरी जी की। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हनी पचौरी जी का। स्वागत है हनी पचौरी जी आपका टीवी 30 इंडिया में। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने चैनल पर मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। हनी पचौरी जी, जैसा कि हमने आपके बारे में जाना पढ़ा, आपको सर्च करने का हमारा उद्देश्य ये था। हमारे पास बहुत सारे मेल आए थे, कई लोगों ने जिज्ञासा जाहिर की थी, आपका नाम हो सकता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखा होगा। उन्होंने हमसे डिमांड की थी कि एक ऐसी शख्सियत है हनी पचौरी जी के, जिनसे बात करनी चाहिए हम लोगों को। तो अपने दर्शकों की बात का सम्मान करते हुए हमने आपको सर्च किया, आपको ढूंढ कर लाए, आपसे बात की, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में हमने जानी जो अभी कैमरे के पीछे हम लोगों ने समझी उन चीज़ों को। तो वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे किन प्रोजेक्टों पे आप काम कर चुके हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके हमारे बीच बातचीत, लेकिन किन प्रोजेक्टों पे आप काम कर चुके हैं और कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपके आने वाले हैं। जी, सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मैंने सबसे पहले एक सॉन्ग किया था कसूर, जो कि मेरे द्वारा लिखा गया था और मेरे द्वारा ही गाया गया था। वो मेरे करियर की स्टार्टिंग थी, तो स्टार्टिंग हमेशा बहुत छोटे लेवल से होती है, लेकिन मैं खुश हूँ कि जिस लेवल से मैंने वो स्टार्टिंग करी थी उस गाने को लोगों ने बहुत प्यार दिया। वो मैंने एक लोकल एरिया के अकॉर्डिंग वो गाना किया था और उस लोकल एरिया में उस गाने को बहुत प्यार मिला, उस चैनल को बहुत प्यार मिला। आज उस चैनल को लोग जानते हैं उस एरिया में, बहुत सबसे बड़ा चैनल है यूट्यूब माध्यम से, उसके उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रखे हैं, बहुत सारे लोग उसको गो थ्रू कर रहे हैं। तो उस गाने का टाइटल था कसूर। फिर कसूर करने के साथ साथ, जैसा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो बहुत लोगों ने फिर मेरे से बोला कि भाई आप आगे काम करो। मेरा उससे पहले कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे आगे कुछ करना है। मैंने कसूर गाना किया था सिर्फ एक मेरी हॉबी थी, मैं चाहता था कि एक बार मैं खुद को सुनूं मैं क्या गाता हूं और प्रोफेशनल लेवल पे वो कैसा लगेगा। मैं सिर्फ खुद को सुनना चाहता था। वो लोगों का प्यार था कि लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आई और उन्होंने डिमांड करी कि यार आप आगे काम कर सकते हो। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ जो कि प्रोफेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स हैं, सारे अच्छी जगह टीवी चैनल आए होंगे, अच्छे चैनल से आएंगे। उसमें सबसे पहले मेरा गाना आएगा ब्लैक गड्डी, जिसका वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट है, ऑडियो कंप्लीट है। ब्लैक गड्डी हम जल्दी रिलीज़ करेंगे, मेरी टीम लगी हुई है, काम कर रही है। ब्लैक गड्डी प्रोजेक्ट के बाद मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा जॉइंट मनाली, और जॉइंट मनाली के साथ फिर मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा दिल। और मुझे जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है, जो मेरे लिए सबसे प्यारा गाना है, वो मैंने खुद पर आधारित होते हुए लिखा है और उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, माँ। तो वो नॉर्मली मेरे मम्मी और मेरे पापा के लिए, और जितने भी कोई भी सुनेगा वो सब अपने माँ और अपने पापा के लिए डेडिकेट करेंगे उस गाने को। तो वो सॉन्ग मैंने बहुत प्यार से, बहुत इमोशनल होकर वो गाना लिखा है, उस गाने से मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद है। और ये सारे चार प्रोजेक्ट मेरे अभी आने वाले हैं। उसके बाद मेरा एक भाई है जिसको लेकर मैं डुएट कर रहा हूँ, त्रिभुवन शर्मा, उनको लेकर एक दो प्रोजेक्ट्स मेरे डुएट के साथ आएंगे, दो हम दो बंदे एक गाना करेंगे। तो अभी काम चल रहा है, अलग अलग जेनर के गाने हैं, क्लब सॉन्ग्स हैं, बीट सॉन्ग्स हैं, सैड सॉन्ग्स हैं, तो सारे जेनर को लेकर, जो आजकल यूथ सुनना पसंद करता है उन्हीं को लेकर सारे गाने मेरे अभी काम चल रहा है। हनी जी, ऐसा क्या हुआ कि एक इंजीनियर और गायक बनने की तरफ चल उठा? जी, इंजीनियरिंग मेरा पैशन है। ऐसा नहीं, लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप सिंगर कैसे, या फिर आप सिंगिंग कर रहे हो तो आप इंजीनियरिंग कैसे कर रहे हो। तो वाकई ये पॉइंट है, इंजीनियरिंग करते हुए साथ में आप नहीं इतना ध्यान दे पाते हो सारी चीज़ों की तरफ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे फादर नहीं हैं,
अब जब किसी के फादर नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, जैसा कि मैं करता आ रहा हूँ बचपन से। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, जो भी मैंने ऑब्जर्व किया, जो भी मैंने देखा सोसाइटी में क्या हो रहा है, ठीक है। मेरे खुद के अपने बहुत सारे सपने होते थे कि यार मेरे पास बाइक होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि मेरे पास जरिया नहीं था, मेरे पास मेरे पापा नहीं थे। तो कुछ लोगों का मेरे साथ मतलब ऐसे ही रहता था व्यवहार के यार ये कुछ भी नहीं है। तो उन सब लोगों को देखते हुए, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए मैंने लिखना शुरू किया था। मैं खुद से जब परेशान होता था, जब मैं किसी और को कुछ बात नहीं समझा सकता था, उस टाइम मैं लिखता था। और मैंने लिखाई का साथ देते हुए, मेरे बड़े भाई हैं शशांक शुक्ला जी, उन्होंने मेरे को काफ़ी फोर्स किया कि भाई आप गा भी सकते हो। संगीत की तरफ मेरा रुझान बढ़ा, गिटार पकड़ा मैंने, गिटार सीखा। अच्छा, शशांक शुक्ला जी इस समय कहाँ है जरा हमारे दर्शकों को बताइए। शशांक शुक्ला जी कानपुर पनकी पावर प्लांट में एज अ जूनियर इंजीनियर अपॉइंटेड है, बीटेक हैं वो। तो उनसे आपकी कहाँ मुलाकात हुई थी? कैसे मुलाकात हुई? मैं एडमिशन लिया डिप्लोमा पॉलीटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिंगायत यूनिवर्सिटी फरीदाबाद। वहाँ पे जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो वो मेरे रूममेट थे, वो मेरे साथ हॉस्टलर रहे, उनके साथ मेरी लाइफ शुरू हुई, हम लोग फ्रेंड्स बने। तो उन्होंने मेरे को इस तरफ झुकाने के लिए बहुत कि आपका रुझान संगीत की तरफ होना चाहिए। मैं बहुत अकेला फील करता था, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं हॉस्टल में हूँ। कुछ ऐसा वाक्य मेरे साथ घटा था 10th क्लास के बाद हाथरस में, जिस कारण मेरे को हाथरस छोड़ना पड़ा था और मैं खुद में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेस्ड कंडीशन में था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार इस टाइम से अगर आपको अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो तो सबसे अच्छा साधन है संगीत, आप म्यूज़िक सुनो और म्यूज़िक के साथ जुड़ो तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप इन चीज़ों से बाहर कब आ जाओगे आपको नहीं पता चलेगा। तो बड़े भाई थे, उन्होंने ही मेरे हाथ में गिटार थामा, बोला गिटार सीखो आप करो। गिटारिस्ट बनने के बाद धीरे धीरे मैंने सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे को लिखना पसंद था, मैं लिखता था सारी चीज़ें, तो फिर वो मेरी लिखावट कब गाने बन गए मेरे को पता नहीं चला। और मैं आज भी जो लिखता हूँ वो वही लिखता हूँ जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। इस समय जैसा कि आप बड़ा चर्चित सिंगर हैं, गुरु रंधावा के साथ भी अभी एक कोई कार्यक्रम करने वाले हैं जी, काफ़ी सारे ऐसे, तो थोड़ा उनके बारे में भी कि आपको ये कहाँ से, यानी कि आपने शुरुआत की एक छोटे प्लेटफॉर्म से, उठते उठते अब आप धीरे धीरे लोगों के दिलों तक पहुँच रहे हैं, किस तरीके से? मेरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई दिल्ली प्रोडक्शन हाउस है, द बॉस प्रोडक्शन हाउस, एंड मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन था विजय प्रोडक्शन। तो विजय भाई हैं पंजाब से जुड़े हुए हैं, दिल्ली में रहने वाले हैं, तो उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया, मेरे साथ म्यूज़िक किए, मेरे गाने आगे ले जाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। तो विजय भाई के ऑलरेडी 5 से 6 गाने हमें सोशल नेटवर्किंग साइट या फिर टीवी पर फिल्माए गए हैं, 5 से 6 गाने उनके आ रखे हैं। उनको सबसे पहले प्लेटफॉर्म मिला, उनका भी स्टार्टिंग था, उनका भी स्ट्रगलिंग टाइम था, तो उनको स्टार्टिंग मिला। तो उनका अभी शो हुआ था रफ्तार के साथ, रफ्तार काफ़ी चर्चित सिंगर हैं, पंजाब इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। तो उनके साथ जब वो शो करके आए तो मुझे जो भी शो मिल रहा है, गुरु रंधावा जी के साथ मिल रहा है और एम जी के साथ, मिलिंद गावा, इन लोगों के साथ मैं आगे काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं हाथ विजय भाई का है, विजय भाई का समर्थन मेरे साथ हमेशा से रहा। बाकी ये सारी चीज़ें देखते हुए बस मेरे को ये अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे आ रही हैं। हम एक ग्रुप के तौर पे काम कर रहे हैं, किसी को भी, किसी एक बंदे को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए होती है। अच्छा, थोड़ा सा आपके निजी ज़िंदगी में जानना चाहेंगे, घर के बारे में जानना चाहेंगे, आप कितने मेंबर हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ सिकंदरा राव क्षेत्र, गाँव अगराना, जहाँ से मेरा निकास है। लेकिन सब मुझे जानते हैं कि मैं मीतेई वासी हूँ, मैं हाथरस क्षेत्र पड़ता है यूपी में, मथुरा के पास। तो हाथरस के पास एक छोटा सा गांव है मीतेई, जहाँ से मैं कहूँगा तहे दिल से कि हाँ मैं मीतेई से ही जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने जब बचपन की यादें, जो जहाँ से मेरे को कुछ भी याद है तो मैंने सिर्फ एक गांव देखा था मीतेई, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मेरे घर में मम्मी हैं, नानी हैं और नाना जी हैं। नानी नाना जी ने बड़ा किया है, उन्होंने ही पाला पोसा। मेरे नाना जी रिटायर्ड प्रोफेसर रहे हैं, बाकी मम्मी का सपोर्ट रहा हमेशा साथ, और घर में बस यही 3 मेंबर हैं। तो घर में कभी ये चर्चा नहीं चलती थी कि आप जिस लाइन में जाना चाह रहे हैं उस लाइन से क्या घर का पालन पोषण हो पाएगा? घर में हमेशा से सिर्फ एक ही चीज़ रही थी कि मुझे एक इंजीनियर बनाना है,
मेरी मम्मी हमेशा बोला करती थी कि बेटा आपको इंजीनियर बनना है, तो मुझे भी इस चीज़ में था रुझान कि ठीक है मैं इंजीनियर बनूंगा। डिप्लोमा करते हुए जब मैंने ये कसूर वीडियो शूट किया था पहली बार, जब मैं पहला गाना शूट किया वो मैंने अपने लोकल एरिया में शूट किया था हाथरस में, तो जिस टाइम मैं शूटिंग करके आया था और जब तक वो गाना रिलीज नहीं हुआ था तब तक मेरे घर नहीं पता था कि मैं करके आ रहा हूँ। वो गाना आने के बाद जब मम्मी ने देखा तो तब भी मैंने मम्मी को नहीं बताया कि मम्मी मेरा कोई सॉन्ग आया है यूट्यूब पर है इस नाम से है, क्योंकि मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी। हमारे यहाँ पे ये चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है, सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई इंजीनियर डॉक्टर MBA बैंकर बस यही चलता है, संगीत की तरफ फैशन इंडस्ट्री की तरफ मॉडलिंग की तरफ कभी ध्यान नहीं जाता है। प्लस मेरे साथ कुछ फैमिली कंडीशंस ऐसी थी कि वहाँ पे तो मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था, हमें कहीं ना कहीं सेफ साइड लेके चलनी पड़ती है, इसलिए मुझे इंजीनियर बनना था। तो जब वो गाना आया तो किसी और के द्वारा वो गाना मेरी मम्मी ने देखा, मम्मी ने मुझसे पूछा बेटा ये तू करके आया है? मैंने किया है। तो सबको खुशी होती है अगर हम कुछ नया करते हैं तो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा उल्टा था कि मेरे को डांट पड़ी थी कि यार आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मेरा पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, जो मैंने आपको इतनी मेहनत से पढ़ाया सब कुछ वेस्ट जाएगा, ये तो आपने इंजीनियरिंग करते करते ये लाइन चूज़ करी, इसमें क्या फ्यूचर है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना आपके पास सपोर्ट है ना आपके पास पैसा है। क्योंकि ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ, जो आपका फैशन फील्ड होता है मॉडलिंग फील्ड होता है सिंगिंग फील्ड होता है, फर्स्ट वी हैव टू इन्वेस्ट इन इट, तभी हमें कुछ भी रिजल्ट मिलता है। छोटे लेवल पर काम करते रहो कोई नहीं जान पाता। अभी मुझे ये थोड़ा सा दुख होता है कि एक टाइम था वो टैलेंट का टाइम था, लोग सुनते थे किसी को, फनकार को सुनने के बाद उसको आगे ले जाया करते थे, ये मैंने सुना हुआ है, अभी तक मैंने ये चीज़ देखी नहीं, मुझे इस चीज़ का दुख होता है। सबसे पहली बात आती है कि आपके अंदर टैलेंट कितना है, ये चीज़ बाद में पूछते हैं लोग, लेकिन पहले ये पूछते हैं कि भाई आप पैसा कितना लगाओगे, उसके बाद बात करते हैं आगे कि आपका काम कैसे होना है। तो ये चीज़ मम्मी की कहीं ना कहीं सही थी कि भाई आपके पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, आप कैसे करोगे इस फील्ड में। तो मैंने मम्मी को काफ़ी देर समझाया, मम्मी आपको मुझे इंजीनियर बनाना है, मैं आपको इंजीनियर बन के दूंगा, लेकिन ये मेरा एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा है, मैं इसके साथ आगे काम करना चाहता हूँ और इसमें मैं जो भी इन्वेस्ट करूँगा वो मेरा खुद का किया हुआ होगा, जिसके साथ मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, मैंने ट्यूशंस पढ़ाए, गिटार क्लासेस दी, गिटार सीखने के बाद धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके मैं इस लेवल तक पहुँचा हूँ। अब मेरे घर वालों का सपोर्ट मेरे साथ है। यानी हनी पचौरी का पहला गाना जब आया तो उस पर उन्हें डांट पड़ी। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा खट्टा मीठा अनुभव है जो शेयर कर रहे हैं हनी पचौरी जी हमारे साथ, कि उनका जब पहला गाना मार्केट में आया तो उन्हें घर में डांट पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने घर में बताया ही नहीं था कि उन्होंने कोई गाना शूट किया है। अपने मित्रों के साथ अपने कलीग्स के साथ मिलकर उन्होंने वो जो है गाना शूट किया और तैयार हुआ और लोगों के बीच में आया सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोगों ने देखा और बहुत ज़्यादा सराहा, मैंने भी स्वयं भी देखा है, बहुत अच्छा गाना है, बहुत लोगों ने देखा पसंद किया है। थोड़ा सा एक चीज़, जैसे कि आपने देखा कि आप इस समय पंजाब की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उससे बिलोंग कर रहे हैं, इस समय वहाँ पर काम कर रहे हैं, हर जगह जैसे आप यूपी से क्योंकि आते हैं, हरियाणा की अपनी एक अलग इंडस्ट्री है म्यूजिक को लेकर, पंजाब की अलग है, तमिल भाषा में अलग है, अलग अलग जगह की है, राजस्थान की अलग है, यूपी में क्यों नहीं ऐसी संभावना है? यूपी में क्या है, यूपी के क्योंकि बहुत सारे कलाकार वहाँ पे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं और जो आगे बढ़े भी हैं, तो ऐसा क्या है जो आपने क्या महसूस किया कि क्यों नहीं यूपी की एक अलग पहचान बन पाती? देखिए यूपी में मैं देखता हूँ, जैसे हरियाणा में हरियाणा से मैं पढ़ाई करी है, मैंने लिंगायत यूनिवर्सिटी जैसा बताया फरीदाबाद स्थित है, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, वहाँ पे गुर्जर जाति बहुत है और उनके अंदर यूनिटी बहुत है। हमारा यूपी क्या है, बहुत बड़ा राज्य हो चुका है और कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि यार यूनिटी है सब एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन ऐसा मैंने यूपी में अभी तक अनुभव नहीं हुआ है। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे से जलता कटता जा रहा है, सबको सिर्फ अपनी पड़ी है। जब तक हम एक साथ रहकर किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक कोई चीज़ संभव नहीं है, ठीक है। तो अब इसके लिए मैंने भी सोचा था कि हाँ यार, जैसे हरियाणा में है, हरियाणा इंडस्ट्री उठी, राजस्थान इंडस्ट्री उठी, पंजाब का अपना एक अलग फेस बना, बॉलीवुड हो गया, ठीक है, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली, तो मुझे दुख था कि मैं यूपी से बिलोंग करते हुए भी मैं पंजाब से जुड़ रहा हूँ। क्यों था? क्योंकि मुझे अपना करियर को एक स्टार्टिंग देनी थी अच्छी और मेरे पास सिर्फ एक माध्यम था पंजाब इंडस्ट्री। अगर ब्रज में या फिर यूपी में कुछ ऐसा कुछ होता
यूपी की अपनी इंडस्ट्री होती तो जाहिर सी बात है कि मैं यूपी के साथ अपने राज्य के साथ जुड़ता, अपने लोगों के साथ जुड़ता, लेकिन ये चीज़ मुझे कहीं भी देखने के लिए नहीं मिली। अभी आपने ये मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ऐसा क्यों नहीं है, इसके पीछे का कारण मैं आपको नहीं बता सकता ऐसा क्यों नहीं है, क्यों लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा, उनके क्या रीजंस है, लेकिन हाँ इस चीज़ पर मेरी अपनी खुद की सोच रही है। मैं ब्रज से बिलोंग करता हूँ, ब्रज एरिया है मथुरा, वहाँ से मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अपनी टीम के साथ एक नया नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ। नया नेटवर्क क्रिएट करने के साथ हम वहाँ पर ब्रजगुड़ शुरू करेंगे, मेरे जो भी सॉन्ग्स आएंगे हरियाणा में हरियाणा की लैंग्वेज यूज़ हो रही है, मेरे आगे 4 से 5 ट्रैक होने के बाद जब मेरी छोटी सी एक पहचान हो जाएगी, जब लोग मेरे को जानने लगेंगे, उसके बाद मैं ब्रज के जो पुराने पुराने सॉन्ग्स हैं, ब्रज की जो प्रचलित चीज़ें हैं, ब्रज की जो भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है, बहुत लोग पसंद करते हैं उस भाषा को, अगर मैं कहीं बाहर बोलता हूँ, अगर अपनी लैंग्वेज में कहीं पर भी बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं यार ये बहुत कैची लैंग्वेज है, लेकिन वो कैची लैंग्वेज लोगों तक नहीं पहुँच पाई। अभी बॉलीवुड का बहुत ध्यान जा रहा है ब्रज पे, काफ़ी सारी मूवीज आ रही हैं, अक्षय कुमार की अभी मूवी आई, अक्षय सर की मूवी आई टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें सारा कुछ ब्रज से ही रिलेटेड रहा, सारी चीज़ें ब्रज में रही। मैंने 2-3 मूवी और भी देखी हैं जहाँ पे ब्रज के लिए चर्चा हो रही है, तो इसी टाइम पे इसी दौर पे मैं ब्रज गुड़ शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ गाने करूँगा जहाँ पर ब्रज की भी चर्चा होगी, और उम्मीद करता हूँ कि ब्रज के लोग, यूपी के लोग, अपने राज्य के लोग हमें प्यार देंगे। हम एक आर्टिस्ट हैं, हमें सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, जितना प्यार मिलेगा उतना अपना राज्य आगे जाएगा। जैसे कि आपसे अभी मैंने चर्चा की, इसी तरीके की चर्चा हमारी हुई थी जब हमारे साथ पिछली बार राधे श्याम राधे जी जो सिंगर हैं वो मौजूद थे, वो भी क्योंकि यूपी से बिलोंग करते हैं और वो भी कह रहे थे कि नहीं यूपी में वो व्यवस्थाएं नहीं हैं जिसको लेकर आदमी अपने टैलेंट को आगे पहुंचा सके जी। वो हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे उनके फेमस ट्रैक आए हुए हैं, वही चीज़ है कि अभी सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं दिखाई गई है। अगर सरकार इसके लिए कोई अलग से यहाँ पे कुछ अलग से व्यवस्थाएं करे तो हो सकता है यहाँ पे म्यूजिक इंडस्ट्री एक अलग क्रिएट हो जाए और अच्छा काम हो। इसको लेकर क्या आपको लगता है कि ऐसा सरकार को करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ शुरुआत करनी चाहिए जिससे लोगों को जो है क्या कहते हैं बल मिले, जो नए यूथ है उसको कुछ सहयोग मिले? जी बिल्कुल करना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो फोकस दे रही है मिडिल क्लास फैमिली, वो सिर्फ दे रही है पढ़ाई के लिए, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में कोई सोच नहीं रहा, सरकार ने आज तक नहीं सोचा, सरकार ने कभी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया। ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रखे जाते हैं, स्कूल्स में भी हमने पढ़ाई करी, कॉलेज में भी करी, वहाँ पर इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नाम दिया गया। हमने इसको क्यों नहीं कंपलसरी किया? हर कोई पढ़ना चाहता है लेकिन हर कोई चाहते हुए पढ़ नहीं पाता है, तो उसके लिए और भी साधन होने चाहिए। कुछ लोगों का पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं होता, इन चीज़ों की तरफ ध्यान होता है, तो उसके लिए उनके पास ये ऑप्शन होने चाहिए। सरकार को इस विषय में बहुत सोचना चाहिए, करना चाहिए। म्यूज़िक हुआ, मॉडलिंग हुई, फैशन इंडस्ट्री हुई, इस चीज़ को लेकर भी बहुत अच्छा करियर है, और आज के टाइम में सबसे अच्छा करियर मैं समझता हूँ इन्हीं फील्ड्स में है, जिन्हें हम बोल के बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये एक्स्ट्रा अगर हटा दिया जाए तो इन्हीं एक्टिविटीज़ में अगर कोई अपना ध्यान लगा रहा है आज के टाइम में, अगर सही से कंसिस्टेंट होकर काम कर रहा है, तो बहुत आगे फ्यूचर है। और इस बारे में अगर सरकार सोचेगी, अगर मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को, देखिए पैसे वाले बच्चों का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके पास बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत भी सरकार से सपोर्ट मिल जाए, जैसा कि मैंने बोला कि ये फील्ड इन्वेस्ट करने के लिए है, लेकिन हर किसी के पास नहीं होता। अगर आप इसको पढ़ाई के तौर पर शुरू कर दोगे तो बच्चे को अपने अपनी नॉलेज होगी और वो अपनी नॉलेज से आगे करेगा जो भी उसने करना होगा, लेकिन कम से कम उसे सुविधा तो मिले, और वो सुविधा अगर सरकार प्रोवाइड करती है तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि सरकार का इस तरफ कोई भी रुझान जा रहा है अब तक। कुछ चीज़ें और, जैसे कि आपके कई गाने आए हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं और भी आने वाले हैं, तो हम लोग चाहेंगे, हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि उनमें से कोई एक दो गाने आप गुनगुनाएं जो हम लोग भी सुने और हमारे दर्शक जिन्होंने नहीं सुन पाए वो भी सुने। जी मेरा जैसा मैंने आपको बताया, कसूर के बाद अभी मेरा गाना आने वाला है ब्लैक गड्डी, जो कि क्लब ट्रैक रहेगा, पंजाबी ट्रैक है, प्रॉपर पंजाबी है, तो उसकी स्टार्टिंग कुछ ऐसे है।
ब्लैक ब्लैक गड्डी मेरी, ब्लैक तेरा सूट, जद तू पार्टी चे आवे लगती है क्यूट, ब्लैक फिट ओवरनाइट लेट द करेस, तेरी मिट्टी मिट्टी गल्ला तू मैं कर द परेस, पॉप स्टाइल दी तू फैन, मैं मझा विच रोल द, तू हाँ कर देनी सोनी है तेरे पीछे पीछे रोल द। तो ये क्लब ट्रैक रहेगा, डांसिंग ट्रैक है। बाकी एक मेरा माँ वाला जो सॉन्ग आ रहा जी जी, वो बिल्कुल सैड सॉन्ग है, वो वर्ड ही बयां कर रहा है। जो माँ है, माँ को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, माँ जो होती है मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि माँ क्या होती है। माँ अपने खुद के लिए एक अपना संसार है सब कुछ। तो मैंने वो गाना लिखा था, एक मॉडर्न वर्ड है मम्मा, तो मैंने वो मम्मा को लेकर लिखा था। मम्मा मेरी तुम प्यारी हो, सारे जग में निराली हो। जैसा मैंने बताया, मेरे फादर नहीं है, मेरी निजी आधारित है, मेरे जीवन पर आधारित है ये गाना। तो चलना था जिसने सिखाया, मैं जब गिरा तब उठाया, याद आता है हर एक पल जिसमें बसा था मेरा कल, याद आता है हर एक पल जिसमें बसा था मेरा कल, हाँ मेरा कल। तो ये कुछ सॉन्ग रहेंगे। बहुत बढ़िया, आपके हम लोग कामना करते हैं आप बहुत बुलंदियों तक जाएं, और हम चाहेंगे कि आप टीवी 30 के दर्शकों को कोई मैसेज देकर जाएं, जिससे कि उनके वो भी आपके जो आपने इतना स्ट्रगल किया और आप बढ़ रहे हैं आगे, तो लोगों तक ये चीज़ पहुंचे कि क्या करना चाहिए उन्हें, उन्हें भी अगर अगर वो इस लाइन में आना चाहते हैं, अगर वो इस लाइन में एंटर करना चाहते हैं, तो किन चीज़ों की तरफ उन्हें विशेष ध्यान देना होगा, ये चीज़ हम चाहेंगे। देखिए, अगर मैं सिर्फ एक म्यूज़िक लाइन की बात करता हूँ, तो कोई भी फील्ड हो, म्यूज़िक फील्ड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, कोई भी फील्ड हो, हमें सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, वो एक वर्ड होता है टाइम मैनेजमेंट, जिसके साथ साथ तीन चीज़ें आती हैं, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी एंड आपका रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट, ये तीन चीज़ें लेकर आप चलोगे तो आपका सब कुछ रहेगा, कंसिस्टेंसी। कोई भी फील्ड हो, म्यूज़िक फील्ड में ही मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, नया नया टैलेंट आ रहा है, नए बच्चे आ रहे हैं, हम लोग अभी, हम खुद बच्चे हैं, अभी हमसे भी छोटा छोटा यूथ आ रहा है, तो सबको ये रहता है कि सब सोचते हैं कि अगर हम इस फील्ड में एंटर कर गए तो हम भाई 2 साल में, जैसा कि आपने रंधावा का जिक्र किया, रंधावा पाजी, तो हम 2 साल में रंधावा बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मैं अगर कोई डिग्री कर रहा हूँ, मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद मैं एक इंजीनियर नहीं हो गया, मुझे बीटेक डिग्री नहीं मिल गई, मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ा, मैंने 4 साल पढ़ाई करनी पड़ी, मेरे को चारों साल पास होना पड़ा, तब जाके मुझे वो एक डिग्री मिली बीटेक, तब मैं हुआ कि हाँ अब मैं बीटेक हूँ। तो वहीं से ये मैसेज आता है कि म्यूज़िक फील्ड भी है, ठीक है, आप कंसिस्टेंट रहो, आज करो, कल करो, कोशिश करो, ट्राई करते रहो, ठीक है, कब तक नहीं होगा, आप करते रहोगे तो ज़रूर होगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है या हमारे पास ये साधन उपलब्ध नहीं है, ये नहीं हो पा रहा, वो क्यों नहीं हो पा रहा और वो चीज़ कैसे हो सकती है, उस चीज़ के लिए आप टाइम मैनेज करके चलो। मेहनत सबको करनी पड़ती है, मेहनत आप भी करेंगे, सब करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं रिजल्ट उस चीज़ का मिलेगा, लेकिन किसी चीज़ को बीच से छोड़ो मत। अगर मैं बीटेक बीच से छोड़ देता तो मैं बीटेक नहीं होता। तो अगर आपने म्यूज़िक फील्ड लिया है तो आप इसको प्रॉपर एक टाइम दो कि यार मुझे 5 साल में कुछ करना है, तो 5 साल में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, कंसिस्टेंसी से अपना काम करते रहो, आपका ज़रूर कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुँचोगे। तो यानी कि आगे हम लोग देखेंगे, जब गाने सुना करेंगे तो उसमें नाम आया करेगा इंजीनियर हनी पचौरी। जी, इस लाइन से इंजीनियर हनी पचौरी, मैं आपको बताता हूँ, मेरा प्रोफेशनल नेम प्रफुल पचौरी है, हनी मेरा घर का दिया हुआ नाम है। नहीं, हम लोगों ने जो ज्यादातर सुना, जो हम लोगों के पास मेल्स आए थे आपके, आपको लेकर, वो हनी पचौरी के नाम से ही आए थे। इंजीनियर हनी पचौरी आपको सुनने को इस लाइन में नहीं मिलेगा, ये चीज लोग नहीं पसंद करेंगे, भाई गाना किसका है, इंजीनियर हनी पचौरी। तो वो चीज अगर सेकंड प्रोफेशन में मैं रखूं ER आगे अपने नाम के आगे, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी, लोग मुझे यहाँ पे जानेंगे हनी पचौरी के नाम से, सिर्फ मैं अपना हनी पचौरी लेकर चल रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद TV30 India से बातचीत करने के लिए, और हम चाहेंगे, हमारा पूरा TV30 India की फैमिली चाहेगी कि आप तरक्की करें दिनों दिन,
और जल्द ही आपका जब म्यूजिक वीडियो रिलीज हो, और क्योंकि आप लिखते भी हैं, आपके क्योंकि जितने भी आपने अभी तक जो बनाए हैं इससे पूर्व भी आपके वीडियो आए हैं और जो आने वाले भी हैं, उनमें आपने स्वयं ही जो है शब्द भी लिखे हैं, लिरिक्स आपके ही हैं, तो हम चाहेंगे कि आप बहुत जल्द हम लोगों को देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हों। तब तक के लिए आप सब लोग दीजिए हमें इजाज़त, और अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके बीच रूबरू होंगे। धन्यवाद। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।